लगता है स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है. हर किसी को एक अपनी एक खुद की स्टाइल होनी चाहिए और वो फोर्स नहीं होना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए. एंड आई फील कि स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, अच्छी बात करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी तरह से हम ना ही स्टाइल में जिए पर ऑनेस्टली से जिए, और वो एक स्टाइल अगर बन जाए तो अच्छी बात है. आपने देखी कैसा लगा? इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद कुछ आने वाला है. अभी बस लॉन्च हुआ था मिसफिट्स, इंशाल्लाह अमेज़ॉन पे आएगा, देखने के बाद फिर बात करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. ये बहुत सर आपको अच्छी लग रही है? हाँ किस आपको चाहिए? देखो सर अभी तो खोलना मुश्किल होगा, बाद में. बट थैंक यू सो मच सर. मेरे को हमेशा वही एक चीज़ लगती है कि स्टाइल के साथ सब बोलते हैं कंफर्ट कंफर्ट, बट अभी मैंने रियलाइज़ किया कि कंफर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स ही बड़े ज़रूरी हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट किया है, लेट्स सी. सर बॉलीवुड में सभी लोग अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके के स्टाइल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हाँ सबका अपना एक यूनिक स्टाइल है, अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, विच इज़ ग्रेट, कंफर्टेबल. सर जैकी श्रॉफ मुझे लगता है सर, मतलब वो इतने कूल है ना, ओह, तो वो एक स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है. So much. चाहूँगी कि रिसेंटली मैं इतना ब्लैक पहन रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर हो गया है. बट लक्ष्मी हैज स्टाइल दिस एंड इट्स एन इंटरनेशनल डिज़ाइनर एंड आई रियली लाइक इट. सो एचडी मोस्ट स्टाइलिश. आई थिंक सब लोग बहुत अच्छा स्टाइल कर रहे हैं. आई थिंक टुडे इंडिया में बॉलीवुड में जिस तरह से स्टाइल लेवल एकदम अप हो गया है, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इज हैपनिंग. आई थिंक एवरीवन इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जी मिलेंगे आपको इस साल 3 रिलीजेज और दिखेंगे, 2 फिल्में हिंदी में और 1 तमिल. थैंक यू.
क्या है? ये मुक्का मारने के लिए लास्ट टाइम मेरी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी इस पर, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को थोड़ा और कायम किया जाए. सो या आई एम वेयरिंग इट अगेन, आई रियली लाइक इट. आई मीन मुझे ये 1.5 महीने तक पहन के रखना है, सो आई थॉट व्हाई नॉट एंजॉय इट विद अ लिटिल बिट ऑफ फैशन. एंड इट्स एच टी स्टाइलिश अवॉर्ड, सो आई हैव टू बी काइंड ऑफ स्टाइलिश, देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके, सो फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद मेरी बोन में कैविटी थी जिसकी बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ी. सो बेसिकली यहाँ से काट के बोन ली गई और वहाँ पे बोन डाली गई. सो काइंड ऑफ दैट. थैंक यू. चलो, मेरा लुक सिंपल है यार, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ. जैकेट अच्छा लग रहा है, जैकेट मैंने खुद ही इन्वेंट किया है, इस पर जो स्टिकर विकर है खुद ही लगाया है मेरे हिसाब से, और मुझे अच्छा लगता है. मैं हमेशा थोड़ा सा फैशन के जलवे के मूड में रहता हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है. और आज फैशन एचटी फैशन अवार्ड है और 100% बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें लोगों को अवार्ड मिला जा रहा है, तो इट्स रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड द अवार्ड. बाकी सब फर्स्ट क्लास यहाँ पे भी है. थैंक यू. ओके ओके. मेरी स्टाइलिस्ट हैं शिफा गिलानी, वो मुझे ऐसे कपड़े पहनाती हैं एंड आई थिंक हर एक्टर का या हर पर्सनैलिटी का अपना अपना एक स्टाइल होता है. मुझे शायद ग्रंज लुक बहुत पसंद है, तो नाउ शी इज़ लाइक ड्रेसिंग मी लाइक. मुझे लगता है कि जो आपको पसंद है ना पहनना, उसको पहनिए. और अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं जो जिसमें आप जो भी आपने कपड़े पहने हो, तो आई थिंक आप अच्छे लगेंगे. ये क्या ऐसा है? इट्स ट्रू. व्हाट डू
क्या 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 टिप्स? आई मीन मैं कोई टिप्स नहीं देना चाहती, बट आई थिंक मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि फैशन वो ही होता है जिसमें आप सबसे ऑथेंटिक फील करो. सो फॉर मी फैशन इज कम्फर्ट. आज का थीम स्ट्रीट कुट्योर है, तो उसी थीम को माइंड में रखते हुए दिस इज़ अ स्ट्रीट वर्जन ऑफ अ साड़ी. तो ये ड्रेप साड़ी जैसा है, बट इट्स गॉट दिस न्यूयॉर्क स्ट्रीट एलिमेंट, सो दैट्स द वाइब. थैंक यू. HT Awards के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, हर साल HT Awards होता है और हिंदुस्तान टाइम्स से एक अलग रिश्ता है हमेशा से. और बस आज HT Awards में आए हैं, मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स हैं, सो देखते हैं किसे अवार्ड मिलता है. शायद हमें अवार्ड मिले. ये मेरी खुद की क्रिएशन है जो मैंने क्रिएट की है. प्रियंका मेरी स्टाइलिस्ट है, उन्होंने मेरी हेल्प की है. Own creation, same. Like it's a boss suit, but yeah, I chose it. So apply. Thank you. Hi, कैसे हो? Hi, hi, hi. जी, जी, जी. Telecast चल रहा है शायद. I think television एक of course. और जब कपिल शर्मा शो पे बुलाया गया, जिसमें क्वींस ऑफ टेलीविजन एपिसोड है आज, तो यू नो बहुत अच्छा लगा कि टेलीविजन में हम इतनी मेहनत करते हैं और कभी उसका क्रेडिट मिलना भी ज़रूरी है. तो आई थिंक जितनी भी लड़कियां वहाँ पर थी, दिव्यांका, मैं, अनीता, उर्वशी, ये सारी मेन लीड्स ऑफ टेलीविजन रही है हमेशा से, और सब बालाजी लीड्स रही है. तो जब हम लोग वहाँ पर थे, ऑफकोर्स कपिल शर्मा शो में हो आप तो हंसे बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो बहुत अमेजिंग शो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से सबने अपनी अपनी जर्नी को वहाँ पर शेयर किया. Not really, but yes, my film is coming, Veer Savarkar, so aap usme zarur dekhiye. Thank you so much. Thank you. Yeah, tell me, sir. Hi, shukriya. Thank you so much. Main sharma gaya. Okay, haan, kya keh rahe hain hum? Yaar, aisa hai, touchwood, Jubilee ko bahut blessings mili hain.
तो मुझे लगा ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली हो जाएगा आज. सो या एंड ऑल्सो आई थिंक दिस इज एन इवेंट वेयर यू कैन रियली गो ऑल आउट विद योर यू नो स्टाइल सेंस. आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो यू नो आप अमूमन एक नॉर्मल डे पे नहीं पहनेंगे. यू नो इट इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो फैशनेबल ब्लिंगीएस्ट कूलेस्ट यू नो अवार्ड शो. सो या आई मीन आई थॉट दिस इज द प्लेस टू वेयर दिस. बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया शायद सब गलत किया, लेकिन अपने किए पर पछताना और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है. सो या यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर टू शाहिद भाई. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टाइलिश पीपल इन आवर फ्रेटर्निटी. एंड व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स आई थिंक आई लव आलिया स्टाइल. There are a lot of people actually. So yeah. Thank you so much, guys. See you around. मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा. सो आई थॉट एक्चुअली मैं बॉम्बे में मुंबई में कभी किसी रेड कार्पेट के लिए नहीं आई. सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. तो आई वॉन्टेड टू जस्ट वेयर समथिंग जिसमें मैं कंफर्टेबल भी फील करूँ और आई फील ब्यूटिफुल ऑल्सो. सो आई चूज दिस. मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगा. या और पहली बार है. सो आई एम स्टिल लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग एवरीवन. मुझे कि मैं सबसे मिलूंगी. पहली बार मैं यहाँ पे आकर सबसे मिलूंगी. सो आई एम एक्साइटेड. बट मेहनत आई थिंक रेड कार्पेट पे आने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है. यू हैव टू गेट रेडी देन यू हैव टू टेक पिक्चर्स. सो या दैट वाज बिट ऑफ अ प्रोसेस. थैंक यू. जी सर नमस्कार. सर जब इनवाइट आया था उस पर लिखा हुआ था स्ट्रीट कुट्योर और मैंने बहुत स्टडी किया कि स्ट्रीट कुट्योर होता क्या है. और फिर उसमें मेरे फ्रेंड्स ने बोला बॉम्बर जैकेट पहन लो, लूज पैंट्स पहन लो. मेरे पास थी नहीं तो मेरे पास यही बॉम्बर जैकेट थी. एंड आई थिंक आई लाइक इट. इट्स वेरी ब्लिंगी एंड लॉट ऑफ आई थिंक इट्स मेकिंग मी स्टैंड आउट. और वही है आज की शाम स्टाइल के बारे में. I love Ranveer Singh. I think एक ऐसा एक्टर है जो कि कुछ भी पहन ले बहुत कॉन्फिडेंस से कैरी करता है. आई नो ट्रोल भी होता है बट आई थिंक ही लव्स हिमसेल्फ. और जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक दुनिया कैसे करेगी. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज वॉच छत्रपति ऑन द 12th ऑफ मे इन थिएटर्स.
बोलने हैं क्या? Yeah, just one second. Yeah. अच्छा, बड़ा शाना क्वेश्चन है यार ये, अभी होमवर्क किया मैंने कुछ नहीं. आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेयरिंग अनुज मदान एंड इट फिट्स मी लाइक अ ग्लव, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. इट्स नाइस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हू ऑल स्टाइलिश पीपल आर देयर इनसाइड. आई कैन ऑलरेडी सी अ लॉट ऑफ स्टाइलिश पीपल हियर. This is Anuj Madan and I've been styled by Anisha. So yes. Baki Fukritri aa rahi hai. Ah. So very excited for that and it'll be fantastic. Thank you. Hello. के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स पुट ऑन बाय माय स्टाइलिस्ट ईशा बंसाली एंड हाँ, समथिंग डिफरेंट दिस टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट. टिप्स यही दे सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को एक अभिव्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका फैशन स्टाइल, जस्ट लाइक मूवीज एंड पोइट्री, ये भी एक आर्ट का एक्सप्रेशन. बॉलीवुड में इसका फैशन लाइक करता हूँ मैं, शाहरुख सर का फैशन लाइक करता हूँ. आई थिंक ही इज द मोस्ट स्टाइलिश पर्सन. या थैंक यू सो मच, थैंक यू. हाँ, 25 अगस्त को ड्रीम गर्ल टू आ रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, तो पूजा से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे. थैंक यू. ओके,